1 to 5 में जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं बिल्कुल क्लास रूम के हैं, टोटल के टोटल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस टाइप का हमने आपको क्लास में नहीं करवाया है। और जीके जीएस की भी बात करें तो लगभग सब क्वेश्चन क्लास रूम के ही हैं जो कि आपको कराया गया है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि देखिए अब क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरी पढ़िए तो आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। थ्योरी आपको पढ़ के अच्छे से जाना ही पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका मैथ का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये बेसिक कैलकुलेशन, मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 to 5 वाले बेसिक कैलकुलेशन करके जाइए। और जो लोग ये सब करके गए होंगे बेसिक कैलकुलेशन, और बहुत ही ढंग से हमने आपको ये सब मैथ में करवा रखा है। हाँ, 9th-10th का क्वेश्चन पेपर PDF जो है, आप जो भी सब्जेक्ट के हैं वो आप हमें भेज देंगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। कई लोग का अलग अलग सब्जेक्ट है तो जिनका जो विषय है थोड़ा भेज देंगे, ठीक है। तो टाइम के अभाव के कारण मैं आपका जो है क्वेश्चन कोई स्टूडेंट से ही मुझे भी लेना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट का या कुछ भी हो, क्योंकि मैं मेरे पास उतना बड़ा टीम नहीं है कि वो क्वेश्चन खोज के ला के मुझे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा तो आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 67 दे ही रखा है तो आपको यहाँ ज़्यादा परेशान होने की बात भी नहीं है। 44.89 है तो इसको आप लिख सकते हैं, 44.89 को सिंपली अगर आप इसको लिखेंगे तो बटा 100 कर सकते हैं। 4489 का ऑलरेडी आपके पास 67 दे रखा है वैल्यू, और 100 का रूट निकालिएगा 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये 6.7, इसका मतलब हो गया 6.7। अब इसका वैल्यू अगर निकाला जाए, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ जो कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ सके। दशमलव हटाएंगे, एक पे 4 0 बैठाएंगे, चूँकि दशमलव का 4 डिजिट है। 4489 का आपको पता है 67 होता है चूँकि यहाँ दे रखा है, बटे में आपका क्या हो गया 4 0 है तो 2 0 बचेगा चूँकि रूट हटेगा तो, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.67, ठीक है। उसी प्रकार से आपका इसका वैल्यू निकालना है तो 2 2 4 2 6 6 डिजिट एक पे पड़ेगा तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.067 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0.067 हो गया। यहाँ कितना है 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 0.0067 हो जाएगा, क्योंकि 8 डिजिट है, दशमलव के बाद तो 4 निकलेगा रूट के बाद, तो ये सब का वैल्यू आ गया। अब आप जोड़ सकते हैं, और इसमें एक खासियत है दशमलव के जोड़ में, दशमलव के सामने ही सब डिजिट को रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जोड़िए तो सबसे पहले 6.7 था, उसके बाद कितना है आपका दशमलव के सामने ही दशमलव करेंगे तो दशमलव, ये आप ये 0 कर देते हैं, 0.67 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दशमलव के सामने दशमलव रखिए तो ये आपका हो गया 0.067, फिर दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं आगे, 0.067। अब इसको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 7 ही हो जाएगा, 7 6 13 का 3 बाकी 1 हो गया, 7 6 13 1 14 का 4 बाकी 1, 7 6 13 1 14 का 4 बाकी 1, 6 1 7 7.4437 जो कि मेरे द्वारा ग्रीन कर दिया गया है आंसर की। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है और बेसिक कैलकुलेशन में हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ऑलरेडी कंटेंट में वीडियो पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग मैथ देख के गए होंगे तो एक भी क्वेश्चन उनसे छूटा होगा, सारे चैप्टर आपको मैथ के वीडियो कॉन्टेंट में डाले हुए हैं, और वही चैप्टर डाले हुए जहाँ से आज तक BPSC क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप केवल उस वीडियो को देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ रीजनिंग में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो क्लासरूम के कॉन्सेप्ट से बाहर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए ये सब जीके जीएस का बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग मैथ के सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन को करेंगे।
अगर नहीं तो तेज़ी से साथ साथ करते जाते हैं तो ये भी चलिए अच्छा ही रहेगा। बंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो वंदे मातरम की भी आपने चर्चा सुनी होगी, ये कब प्रकाशित किया गया था और सन्यासी विद्रोह भी आनंद मठ में ही चर्चा किया गया है, बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुए हैं, ठीक है। तो 1882 ईस्वी में इसको लिखा गया था, याद रखिएगा 1882 ईस्वी में। सोनार तकनीक का प्रयोग क्या होता है, तो सोनार एक समुद्र के नीचे गहराइयों का पता लगाता है, साथ साथ कोई पत्थर है चट्टान है आगे, या उससे क्या होता है कि यहाँ पे उस तकनीक का प्रयोग करके जो है जहाज जो समुद्र में चलते हैं कि कहीं पत्थर आ जाएगा चट्टान आ जाएगा या गहराई कितना है, तो ये सब पता कर देता है सोनार कितने दूरी पे जो है कोई ठोस वस्तु है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये मैथ के सेक्शन को हमने कर ही दिया। शांत घाटी सबको पता ही है, साइलेंट वैली, ये क्लास नोट्स के भी हैं और ईवीएस में भी हमने बताया है, केरल में है। उसके बाद अम्लीय वर्षा का प्रदूषक मेन रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2, ठीक है, CO2 नहीं होगा, SO2, ठीक है, मेन रूप से अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक SO2 ही होते हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो प्राप्त करती है वो दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा ही प्राप्त करती है, ऐसे अधिकतम ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, लेकिन उसमें भी जो दीर्घ पार्थिव विकिरण है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। अब यहाँ पे है किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या, आप देखिए ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम आपको बना के बता देते हैं। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है, अन्य दिनों 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार है, यानी 1 तारीख को रविवार होगा, ठीक है, फिर 8 तारीख को रविवार होगा, फिर 15 तारीख को रविवार होगा, फिर कितने तारीख को होगा, तो 15/7 22 तारीख को, ठीक है, 15/23 तारीख को, ठीक है, और फिर 30 तारीख को आपका रविवार होगा, ठीक। तो टोटल रविवार कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 दिन रविवार होगा, तो 5 को गुना कर दीजिए 680 से, क्योंकि रविवार के दिन ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो 5 रविवार आ गया, तो इसको 680 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 का 0, बाकी 4, 6 5 30, 4 34, तो 3400 लोग आपको केवल रविवार को, ठीक है। उसके बाद बाकी जो दिन है 30 दिवसीय महीना, अन्य दिनों 332, तो टोटल यहाँ पे रविवार कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 रविवार घटा दीजिए 30, तो 25 उधर हो गया सामान्य दिन, 25 में आपका 332 से गुना कर दीजिए, 332 गुने 25 कर लीजिए, 5 2 10 का 0, बाकी 1, 5 3 15, 116 का 6, बाकी 1, 5 3 15, 116, 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, चलिए 0, 6 4 10 का 0, बाकी 1, 6 6 12, 1 13 का 3, बाकी 1, 6 1 7 1 8, ठीक है, टोटल 8300 हो गया। तो 3400 प्लस 8300 इसको जोड़ दीजिए और 30 से भाग दे दीजिए, यही औसतन आ जाएगा, 4 3 7, 8 3 11, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, 30 से चूँकि औसतन निकालना है तो 30 से भाग दे देना है, ठीक है, 30 से भाग देंगे, ये 0 कट गया, 3 से काटिए, 3 3 9 हो गया, 2 11, 3 9 27, यानी 390 दिन, 390 दिन आ जाएगा उस तक, चूँकि 30 दिन है, ठीक है। तो इस तरीका से बेसिक है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं है, भाषा पढ़ेंगे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टंगस्टन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है, ठीक है, उसी का फिलामेंट बना होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो वो जहां झाड़ियां होती है, झाड़ियों के जंगल, उसमें ज़्यादा पक्षियां रहती है। चलिए मेन रूप से जो क्वेश्चन है ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 41, इस तरह के क्वेश्चन को हमने कई बार परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, जो घटाया जाता है उसमें -5 लगा दीजिएगा, और फिर 10% बढ़ाया जाता है, जो बढ़ाया जाता है उसको प्लस लिखिएगा, और हमने फार्मूला आपको बताया था x+y+xy/100, ठीक है, ये हमने बताया था। तो x का मान एक -5, एक +10,
प्लस आपका माइनस 5 इंटू प्लस 10 बटे 100, बस इस पर सॉल्व कर दीजिए। ओवरऑल घटेगा बढ़ेगा, प्लस आएगा तो बढ़ेगा, अगर माइनस आएगा तो घटेगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 और 5 में गया, 10 में से 5 तो 5 बचा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 50 बटे 100 ये क्या हो जाएगा, 10 बचे 50 बटे 100, 100 हो गया, यानी आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 या आप ये कर सकते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 × 10 माइनस 1/2 यानी 9/2 यानी 4.5। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4.5 बढ़ेगा। अगर वही माइनस में रिजल्ट आता तो घटेगा, तो यहाँ पे 4.5% क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसान से हैं, और जो लोग मैथ नहीं बनाए होंगे उनका रिजल्ट नहीं बनेगा, इस बात की फुल गारंटी है। मैथ रीजनिंग अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं और सभी लोग लगभग बनाए होंगे, और ये सब परसेंटेज चैप्टर में हमने आपको कई बार अच्छे से समझाया हुआ है। तो एक भी क्वेश्चन मैथ का ऐसा नहीं दिखा मुझे जो टफ है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की आवश्यकता थी, ठीक है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए गुइंडी जो है वो तमिलनाडु में ही है, बलफकरम मेघालय में है, और ये आपका भगवान महावीर जो है गोवा में पड़ता है, बिहार में नहीं है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, ठीक है, लेकिन भगवान महावीर अभ्यारण्य बिहार से। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, या तो बेसिक हैं या प्रीवियस वर्षों पर आधारित, इसीलिए हमने बोला कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन जो है दिखे दिखाए से लग रहे हैं, और क्लासरूम में भी लगभग क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का जो है सारा कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो जो भी थोड़ा पढ़ने वाले होंगे वो अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होता है, तो अंतिम प्रतीक गेसर होता है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ में कह सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कई बार हमने बोला है, और वीवीआई का स्क्वायर बोल रखा है ये सब क्वेश्चन, 1934 में बिहार में, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार हमने बिहार स्पेशल में आपको बता रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में बार बार आते रहेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस में हमने सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है, नहीं परमान है तो कंटेंट में जाइए, प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर देखिए, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन का मुनाफा होता है, यानी 13 दर्जन मुनाफा होता है, मेन उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 39 में से 13 चला गया, तो 9 में से 3 गया 26, तो 26 × 100, बस, ठीक है, फायदा होता है 13, फायदा होता है कितना बेचने पे, 26, क्योंकि 39 में ही इसको 13 को फायदा हो जाता है, विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, यानी उसका क्रय मूल्य तो 26 आम के बराबर ही था, तो 13 फायदा हो जाता है 26 के क्रय मूल्य पे ही, 13 दर्जन का 26 दर्जन के क्रय मूल्य के बराबर, तो 100 कर देते हैं, और बहुत आसानी से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं 50%। ये सब टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम आपके क्लासरूम के हो रखे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में जब अभी राज्य पुनर्गठन आयोग जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें बताया भी था इस तरह से क्वेश्चन आपके क्रिएट किए जाएंगे, नहीं विश्वास है तो आप वीडियो में जा करके देख लीजिए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग वाला जो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में हुआ उसके कौन कौन से सदस्य हैं, हमने ये बोला था कि कौन नहीं है ये पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट करके आपको पूछेगा। तो उसमें हमने बताया था KM पनीकर, फजल अली आयोग भी इसको कहते हैं, तो फजल अली थे ही क्योंकि यही अध्यक्ष थे, और हृदयनाथ कुंजरू ये भी थे, तो तीनों लोग इसमें सम्मिलित थे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। बहुत अच्छे से हमने राज्य पुनर्गठन आयोग आपका जब पढ़ाया है पूरा, चूंकि ये सब फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, और मुझे पता है कि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और हमने उसमें ये भी चर्चा किया हुआ था अच्छे से कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है,
ठीक है, आप देखिएगा वीडियो में ये सब आपको दिखेगा, जबकि ये क्वेश्चन पहली बार बीपीएससी यहाँ से क्रिएट किया इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन एक अनुभव होता है कि अनुभव के आधार पर मैंने पहले ही पढ़ाने के क्रम में ही बता दिया था इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और क्रिएट करेगा यहाँ। बिहार का कृषक नेता कौन थे? तो आपको पता ही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है आपको, ये सब आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा ये सब क्वेश्चन में। वाहन के साइड ट्रैफिक को देखने के लिए जो बड़ा वस्तु को छोटा कर दे उसमें उत्तल होता है, और जो छोटा को बड़ा दिखा दे अवतल। तो दाढ़ी बनाने में अवतल करते हैं, और गाड़ी के साइड मिरर बड़ा वस्तु बड़ा वाहन छोटा दिखे इसलिए क्या करेंगे हम लोग उत्तल। ये सब क्लास रूम में एकदम लाइट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिहार का उग्र कृषक नेता सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। खाद श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या? देखिए, कोई भी जब पौधा हो चाहे जीव हो, जब वो किसी जीव पे डिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता में रखते हैं। प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वो डायरेक्ट जो है शाकाहारी जीव कहलाते हैं, और ख़ास करके वो जो है साग सब्जी खा करके जीवित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीयक, चूंकि ये यहाँ पे मांसाहारी कीट भक्षी पौधा की बात है, तो ये द्वितीयक हो जाएगा उपभोक्ता में। अब यहाँ पे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये भी आपको हमने क्लासरूम में बेसिक कैलकुलेशन में करा रखा है, हर परिमेयकरण करते हैं और ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई आसान सा क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके क्लासरूम में भी कराया हुआ है, और ये क्वेश्चन ये चूंकि पहली बार नहीं पूछा है बीपीएससी, इस तरह के क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछ रहा है, तो इसीलिए ये सब टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस करके जा ही रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये आपका ये भी आप लिख सकते हैं, चलिए 90 कर देते हैं, माइनस 18 रूट 7 कर देते हैं, बटे में अगर किया जाए तो 25 में से 7 गया, 25 में से 7 गया तो 18 हो जाएगा, यहाँ 18 कॉमन ले लीजिएगा, तो 5 माइनस रूट 7 बटे 18 हो जाएगा, ये कट गया, 5 माइनस रूट 7, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 5 माइनस रूट 7, हर परिमेयकरण करके। उसी प्रकार से इसका हर परिमेयकरण कीजिए, 4 बटे कितना है, 4 बटे रूट 7 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, रूट 7 माइनस रूट 3 बटे रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक है। जब ये कीजिएगा आप तो बस सेम पैटर्न पे आएगा, ये देखिएगा सब क्वेश्चन। उसके बाद आपका 4 रूट 7 माइनस 4 रूट, या 4 ही कॉमन रखते हैं, रूट 7 माइनस रूट 3 कर लेंगे, और यहाँ पर 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 चार चार कट गया, ये भी वैल्यू आपका क्या दे देगा, रूट 7 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे प्लस रूट 7 माइनस रूट 3। अब उसी प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हैं, वैल्यू लगभग सेम ही आ रहा है, वही आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और प्लस वो भी आपका रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए काट लीजिए, जो प्लस 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये कट गया, 5 माइनस एक गया 4, 5 में से गया क्या हो गया 4, जो कि आपको हमने पहले से ही ग्रीन कलर करके दे दिया है आंसर की, आप लोग मिला भी लिए होंगे मेरे हिसाब से। करंट अफेयर सेक्शन को हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, बाकी सारे सेक्शन को हमने आपको अच्छे से करा दिया है, तो आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। मेरे आंसर की से अगर आपको जो हमने कट ऑफ निर्धारित किया है ग्रुप में अगर उतना आ रहा होगा, ठीक है, तो चूंकि जनरल वालों का तो कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा ही जाएगा, चूँकि अदर स्टेट के लोग भी आते हैं, तो 80 के अराउंड जो है जनरल कैटेगरी चला ही जाएगा, और बाद बाकी लोग अगर 75 ओबीसी हैं, 75 76 के अराउंड हैं तो उनका हो जाएगा। ईवीसी वाले अगर 73 74 तक हैं, 72 तक भी, तो उम्मीद है, ठीक है। तो यानी 70 से लेके 80 85 के बीच में ही ये रिजल्ट ऑलरेडी पुरुष वर्ग का वैरी करेगा, वही महिला का जो है ये रिजल्ट 65 से लेकर के 70 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो अगर आप उसके प्लस में आ गए हैं, 80 प्लस हैं तो कंफर्म जोन में, ठीक है, उससे कम है ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं 75 प्लस में, तब सेफ जोन में है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप 70 प्लस में हैं तो आप सेफ जोन में, ठीक है। तो कट ऑफ यही सब रहता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन लगभग
जो है बनने लायक था। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या, मदनलाल ढींगरा, ये सब आपके बिहार स्पेशल में प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे, खास करके बीपीएससी के प्रीवियस वर्षों का, और हमने आपको पीडीएफ भी भेज रखा था जितने भी प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आए हैं। इनमें से कौन सा एक भूकंप का गंभीर एवं विध्वंसकारी है, प्लूटोनिक भूकंप ज़्यादा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 6 स्टार 7 को 2 रखा है, 3 स्टार 2 रखा है, 3 स्टार 5 को 5 दिया है, 5 स्टार 8 को 0 दिया है। आप गौर कर सकते हैं, अगर हम गुना करें तो 6 7 42 होता है, 42 का लास्ट वाला डिजिट 2 लिख दिया, 3 5 15 होता है तो लास्ट वाला डिजिट 5 लिख दिया, 8 5 40 होता है तो उसका 0 दे दिया, यानी लास्ट का डिजिट आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया है। उसी तरीका से आपको सर अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा, री एग्ज़ाम काउंट नहीं होगा, परेशान ना हो, री एग्ज़ाम काउंट नहीं होता है, और अटेम्प्ट की बात है तो अटेम्प्ट के लिए अभी परेशान ना हो, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बदलाव होगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना, अभी एग्ज़ाम देते रहिए। तो 8 6 48 होता है, 6 8 48, 48 का क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा, इसीलिए सर कितना ये सब तो एकदम गिफ्टेड नंबर है, फिर भी कई लोग कहेंगे 50 जाएगा, कट ऑफ 60 जाएगा, अरे भाई उतना कम कभी नहीं जाएगा, ठीक है, कट ऑफ का जो रेंज है वो हमने बता दिया। अगर आप पुरुष वर्ग में हैं 75+ में हैं तो आपकी संभावना है, महिला हैं 70+ में हैं तो आपकी संभावना है, 65+ में है तो कैटेगरी में है तो महिलाओं को संभावना रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीट तो है ही, और ख़ास करके बिहार की महिलाओं की स्थिति ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में अभी फ़िलहाल उतनी बेहतर नहीं है जितने अदर स्टेट की महिलाएं जो है टीचर की तैयारी में जुड़े हुए हैं और बहुत दिन से पढ़ रहे, तो उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो जनरल का तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही, महिला पुरुष दोनों का, चूँकि वो अदर स्टेट के लोग होंगे उसमें, लेकिन बिहार स्टेट की बात करें तो ज़्यादा कट ऑफ 65+ में है, तो भी आप सेफ जोन में हैं और आप किसी ना किसी कैटेगरी से ही होंगे, जनरल बहुत कम ही लोग हैं बिहार में, ठीक है, तो ये सब बात है, तो ये सब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या होता है रिजल्ट, इसे मेरा अनुमानित है। 1 घड़ी 2 पर 12 बजे चला, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हमने क्लास रूम में करा रखा है और बीपीएससी प्रीवियस वर्षों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मुझे लगता है ये आपका 67वीं या 66वीं बीपीएससी में या 68वीं किसी में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये हमने आपको प्रीवियस वर्षों का जो रीजनिंग का सेट करवा रहा था वो वीडियो में भी होगा, आप खोजिएगा मिल जाएगा सेम टू सेम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस वर्षों के मैथ और रीजनिंग निश्चित रूप से करके जाइए, 80-90% क्वेश्चन बीपीएससी उसी पैटर्न पे पूछती है, ठीक है, अब बात नहीं मानेंगे तो अलग बात है, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए ये 12 बजे से चलना शुरू की, 5:10 में, स्वाभाविक सी बात है 5 घंटा तो ऐसे ही हो गया ये, और उधर 10 मिनट हो गया, आपको पता है कि एक घड़ी की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है, तो 12 से 5 बजे तक में 5 घंटा तो ऐसे ही हो गया, तो 150 5×30 तो आपका 150 डिग्री तो ऐसा ही हो गया, तो ऐसा ही आप काट सकते हैं, अब प्लस आपका यह 10 मिनट और एक्स्ट्रा हुआ, तो 10/ कितना घंटा का, और ये 30 डिग्री बनाता है, 60 मिनट 30 डिग्री के बराबर है, 10 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 10 6 6 60 ही 5 5, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा 155 डिग्री का बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सेम टू सेम क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस वर्षों में डाटा सहित यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ये सब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए गिफ्टेड है भाई, जान लीजिए, अगर आपको सेम टू सेम बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे रहा है प्रीवियस वर्षों का, आपको आंसर भी याद होगा, कई लोग जो पढ़ने वाले, तो वही है कि आप सही गाइडेंस में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये आप लोग का अपना लेवल है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक अच्छे गुरुजन को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन टीचर सही पैटर्न पे पढ़ा रहा है और कौन जो है दिन काट रहा है, खूब पढ़ाएगा लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बहुत सारे टीचर कम पढ़ाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको उसी प्रकृति का या सेम टू सेम आएगा, तो ये तरीका होता है कंपटीशन पढ़ने का निकालने का, और वही लोग यहाँ पे सही आपको मार्गदर्शन दे पाएंगे जो खुद बीपीएससी से सेलेक्टेड है, बीपीएससी का बहुत दिनों से उन्होंने प्रिपरेशन किया है तो उनको अनुभव है, ठीक है,
तो ये सब बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। केवल मेहनत करने से रिजल्ट नहीं बनता है, बल्कि आपको दिमाग लगा करके कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर नहीं पूछा जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सब घरी वाला क्वेश्चन हमने आपको रीजनिंग में भी अच्छे से करवा रखा है और प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन वाले में भी हमने करवा रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए देख रहे हैं ना मैथ रीजनिंग कितना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप इजिली और ये भी क्वेश्चन आपके क्लासरूम का फिगर काउंट वाला जो है रीजनिंग कॉन्टेंट में अच्छे से आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इसको हमने करा रखा है। कैसे इसको काउंट करते हैं, कैसे इसका आंसर निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि कितने आयत हैं। ठीक है, आयत जो चार भुजा से घिरा हो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या एक आयत वर्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता, तो जो वर्ग है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं आयत के रूप में। अब देखिए एक एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, आप तो सिंपली अलग अलग अगर आयत बनाएंगे तो एक दो तीन चार, चार हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, दो दो का सेट बनाइए, एक एक दो वाला भी आयत हो जाएगा, ये दोनों मिला करके एक आयत हो जाएगा। ठीक है, एक तीन और चार मिला करके भी आयत हो जाएगा, फिर एक एक और तीन मिला के हो जाएगा, एक आयत आपको दो और चार मिला के हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो का सेट जो है आपका बन गया, एक दो तीन चार, एक तीन दो चार। ठीक है, इसका हो सकता है, फिर आपका दो चार का बन गया, उसके बाद आपका अगर हम बनाए तो एक दो तीन चार का भी हो जाएगा, एक दो तीन चार का भी हो गया आयत। ठीक है, चलिए तो ये आपका आयत बन रहा है, तो काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, नौ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी में पूछे गए हैं और फिगर काउंट चैप्टर हमने आपको कॉन्टेंट में करा रखा है अच्छे से, रीजनिंग वाला में आप देखेंगे या आप YouTube पे भी जाएंगे तो फिगर काउंट हमने अच्छे से आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ रहा है इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज संडे को क्लास ले रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा टाइम का अभाव जरूर रहता है, जब भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं आपको क्लास लेने का प्रयास करता हूँ, और चूंकि ये सब हमने करा भी रखा है, जो भी प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब आपका लगभग हो रखा है, तो इसीलिए आपका जो क्लास लेता हूँ तो जो भी आपके नए अपडेटेड क्वेश्चन हैं, ऐसे मेरा प्रयास होगा कि मैं जो नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपको रेगुलर फिर से स्टार्टिंग से मैथ रीजनिंग सारा कुछ करवाऊँगा। उसके लिए बैच भी लॉन्च कर दिया गया है TRE 4.0, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी मात्र 799 में ही आपको कोर्स से जोड़ा जा रहा है। चलिए ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो श्रीहरिकोटा इनसेट 3DS जो लॉन्च हुआ वो क्या चीज़ से संबंधित सेटेलाइट है। ठीक है, तो वो मौसम विज्ञान क्षेत्र में काम करेगा, मौसम संबंधी जानकारी इनसेट 3DS देगा। ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन करेंट अफेयर्स सेशन में हो चुका है। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से होता है उसी प्रकार से निम्न में से किसका संबंध, तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी प्रकार से स्वच्छता हटा बीमारा पड़ेंगे, तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और कोई दूसरा है नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो वही होगा स्वच्छता। मैथ का क्वेश्चन भी गया ऊपर, देख लेते हैं, एक रीजनिंग का मुझे लगा क्वेश्चन निकल गया। चलिए एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ताप बढ़ता है वो गल जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि आपका लाइन कनेक्शन हट जाता है और जो आपका विद्युत उपकरण होता है वो हाई वोल्टेज से बच जाता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट, ये बहुत अच्छे से मानसून चैप्टर में कहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। मानसून चैप्टर आप लोग ज्योग्राफी में देखिएगा, जलवायु जो मैंने पढ़ाया सेम क्वेश्चन कितने बार इम्फेसाइज किया है हमने आप देखेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन जस्ट अभी पिछले बीपीएससी में भी पूछा था, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तभी तो बिहार झारखंड एक ही था, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए जी के ये एक क्वेश्चन है, प्रथम गोल में सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, तो लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है किस प्रकार से हम लोग रीजनिंग के ब्लड रिलेशन को बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और हमने आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है। एन एम का भाई, एन किसका भाई है, तो एम का भाई है, तो एन प्लस कर देंगे, एम का भाई है। अब एम प्लस है कि माइनस, यानी महिला का भाई है कि पुरुष का भाई है, क्लियर नहीं किया, इसीलिए जो क्लियर करेगा उसी के सामने हम प्लस लगाएंगे। तो एन बोल दिया एम का भाई है, के एम की बहन है, के जो है वो किसकी बहन है, एम की बहन है, तो माइनस लगा दिए, के और सेम लेवल जनरेशन है इसलिए सेम लेवल में रखें, के एम की बहन है। पी ओ का भाई है, पी के बारे में बोल रहा है, पी जो है वो ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई है, इसको अलग लिख दिए, तथा ओ एन की बेटी है। अब ओ को यहाँ पे एन की बेटी बना देंगे, ठीक है, ओ एन की बेटी है, और यहाँ बोला पी ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई है। अब बोल रहा है कि पी का चाचा कौन है, तो सिंपल सी बात है, ये तो फुआ हो गई, तो एम ही बचा जो चाचा हो सकता है, तो पी का चाचा आपका एम होगा। ठीक है, पी का चाचा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, पी का चाचा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, के एन ये सब तो होगा नहीं, तो संभावना किसका है, तो एम ही उसका चाचा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है उससे आंसू निकलते हैं, वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। ये हमने क्लासरूम में करवा रखा है, उपसोर ऑफसोर ज्योग्राफी में बहुत अच्छे समझा रखा है, उप मतलब छोटा दूरी और अप मतलब बड़ा दूरी, अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, तो अधिकतम दूरी होता है ऑफसोर में, जो लोग ये सब चैप्टर अच्छे से देखे होंगे बहुत अच्छे से स्कोर किए होंगे। ठीक है, और ये भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में हो रखा था, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला, नवी मुंबई को जोड़ने वाला जो अटल सेतु बना है उसकी लंबाई, ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, 21.8 किलोमीटर। अब यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला को आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, सबके बीच का डिफरेंस निकालिए, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 17-10 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, अब कितने का डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस होगा, तो 63 और 14 जोड़ ले। देखिए सीरीज भी पूछा तो एकदम आसान पूछ दिया, आप कहीं दिमाग लगाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी या ईजी से लो, तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा जाएगी। अब रही बात आपके लेवल की, आप किस गाइडेंस में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो लोग एवरेज 70+ ही होंगे, उससे कम आने की उम्मीद यहाँ पे हम तो नहीं करते हैं जितना हमने आपको पढ़ा रखा। ठीक है, तो और रिजल्ट बनने की संभावना रहेगी। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है, सीरीज में पहला कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, डिफरेंस निकालो अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा आंसर। अब देखिए ये सीरीज है, अब इस तरीका से आप देखिए जो मिल रहा है, तो आप स्वाभाविक सी बात है आसान सा पूछा, 36 18 54 3 से गुना कर दिया, ऐसा कौन मिल रहा है, तो 12 2 24 तिया कर दिया, तो सेम डिजिट 15 3 45 3 135, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा भी, और ये भी बेसिक कैलकुलेशन के, और इस तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम हमने करवा रखा है। 467 को ए मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इंटू ये आपका हो गया 2 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि हमने यहाँ पे 467 को a मान लिया और 359 को क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये कट गया
टू चूंकि बाहर में कॉमन में है तो इसको रहने देते हैं, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा आपका, जब ये कट जाएगा तो बाहर वाला रह गया बस दो, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा बहुत आसान से। तो जो बेसिक कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसान से हैं, तो मुझे नहीं लगता है किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ होगा। और कितने बार अभी कुछ दिन पहले भी एग्जाम से पहले भी चर्चा कर रहा था, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का बार बार मैंने चर्चा किया है। इन्हीं के कहने पर जो है गांधी जी पहले भारत भ्रमण करते हैं, तो गोपाल के ये सब एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी बार बार पूछता है। अब देखिए डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है ये भी आपको सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डायरेक्शन चैप्टर में करा रखा है। कुछ नहीं करना होता इसमें, सबसे पहले आप एक मैप बना लेते हैं, ऊपर में उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण लिखते हैं, दाएं साइड पूरब लिखते हैं, बाएं साइड पश्चिम लिखते हैं। अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर 20 मीटर मान के चलिए यहाँ चला, फिर वह बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ गया, यहाँ से बायां इधर हो गया, 10 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है 20 मीटर चला, फिर यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो 10 मीटर फिर वो यहाँ पहुँच गया। स्वाभाविक सी बात है ये 10 हो गया, ये 20 है तो ये भी आपका पैरेलल है, तो ये भी 20 होगा, यानी 20 40, यानी 40 किलोमीटर की 40 मीटर की दूरी पे किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि दिशा नहीं पूछ रहा है केवल दूरी पूछ रहा है, तो 40 मीटर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके क्लासरूम के रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर के हैं क्वेश्चन। ये तो आपका इक्वेशन ही है, बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, 10th क्लास में आप लोग ने पढ़ा ही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 77, और ये आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 73। तो आप इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और घटा देंगे, 4x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल टू 77, दूनी आपका हो गया 7 दूनी 14 70 154, और ये आपका हो गया 149। तो 3 दूनी सॉरी 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y और 73 तिया हो गया 3 3 9 और 7 3 3 9 और 7 21 219। और सॉरी 219, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, इसको काट लीजिए, 154 और 200 यहाँ पे माइनस में हो गया, क्योंकि ये आपका माइनस में हो गया, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 4x माइनस 9x यानी माइनस 5x इक्वल टू 219 में से 154 घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 9 में से 4 गया, 11 में 5 गया 6, 065, ठीक है, 65 हो गया माइनस, ये कट गया, तो x इक्वल टू 13 5 65 13, और y x का मान पुट कीजिएगा तो y निकल जाएगा आपको 17, ठीक है। तो ये सब आपका बिल्कुल बेसिक है, तो ये सब उम्मीद करते सब लोग बना ही लिए होंगे। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस नदी किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित किया गया है, तो हुगली नदी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम यही लेटर को आगे पीछे किया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम और इस तरह का क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता भी रखा है। प्रॉब्लम को क्या किया है, एम पी ई आर एल ओ बी कर दिया, स्वाभाविक सी बात है। आप इसको क्या कीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले इसने क्या किया, पहले दिया आपको किसको रखा है, एम को रखा है, एम 7वें नंबर पे है, और फिर पी 1 नंबर पे है, फिर ये क्या किया पीछे से, यानी पीछे से एक उठाया, फिर आगे से उठाया एक, फिर पीछे से उठाया, फिर आगे से उठाया, फिर लास्ट जो बीच वाला है उसको क्या किया है, लास्ट में रख दिया। आप वही काम कीजिए इसमें भी, नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस, सबसे पहले एक पीछे वाला को उठाइए, फिर आगे वाले को उठाइए, फिर आर को उठाइए, फिर यू को उठाइए, फिर ई को उठाइए, फिर एम को उठाइए, लास्ट में बी बच गया। यहाँ पर देख लीजिए SNRUEMB यहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो सेम पैटर्न पे है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लासरूम में कोडिंग डिकोडिंग में कराया हुआ है। बायोगैस का प्रमुख घटक अगर पूछेगा तो मीथेन है,
याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये भी आपको ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा रखा है हमने, भारत देश की अधिकतम सीमा किस देश के साथ मिलती है, ये जब ऑब्जेक्टिव सेशन ले रहा था तो उसमें भी हमने इसको अच्छे से बताया हुआ बांग्लादेश का। ये सब क्वेश्चन 9th-10th के बेसिक से हैं तो सब लोग बनाए होंगे, ठीक है। अब है साधारण ब्याज पर किसी दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो यानी मान के चलिए कोई धन एक्स है तो वो 7 गुना हो जाएगा, तो उसका यानी ब्याज कितना उसका बढ़ गया, तो 7x-x यानी 6x, तो आपको पता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दर, तो दर इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, और ब्याज आपको 6x बढ़ना चाहिए गुने 100, मूलधन आपका x है और समय आपको कितना लगा है 24 वर्ष, तो कर लीजिए तो 4×6=24, x कट गया तो 100/4 यानी 25%, आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि कोई धनराशि x का 7x हुआ तो ब्याज कितना हो गया 6x, क्योंकि साधारण ब्याज यहाँ पे टोटल मिला के मिश्रधन हो गया 7x, 7x में से x गया तो यानी ब्याज निकल गया, तो ब्याज गुने 100/ मूलधन गुने समय करेंगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ही। यदि बीते हुए कल से पहले दिन सोमवार था आने वाला कल, तो ये तो आपको आसानी से आप बना सकते हैं। यदि बीते हुए कैसे बनाते वो मैं बता देता हूँ, यदि बीते हुए कल से पहले, तो सबसे पहले आज का दिन रखिए, बीते हुए कल से पहले यानी एक के बाद, ये आज का दिन मान के चलिए आज है, तो बीते हुए कल से क्या बोला है, बीते हुए कल से एक दिन पहले, बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या था, सोमवार था, तो आने वाले कल से, आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा। अब देखिए ये सोमवार है तो ये मंगल, ये बुध, बृहस्पति, ये क्या हो गया शुक्रवार हो गया, आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते ये सब क्वेश्चन इजीली आप लोग बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, अपना देख लीजिएगा जो लोग क्लास लिए हुए हैं। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM जो होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल ये होता है, तो निलंबित कणिका तत्व मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, ठीक है, तो निलंबित कणिका तत्व इसको कह सकते हैं हिंदी में। ये सब अपना मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक खास श्रृंखला है घास, हिरण और बाघ, ये सब आप लोग को बेसिक है। धातु कर्म आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, जहाँ जंग नहीं लगा अभी भी कुतुब मीनार के पास है। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में, जो 1946 तक चला था मेन रूप से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है, तो ये सभी हो जाएंगे। अब देखिए ये आपको हमने बताया था कि रैंकिंग जरूर पढ़ के जाइए रीजनिंग में, रैंकिंग हमने अच्छे से करा भी रखा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल यानी कुल, कुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर से पोजीशन या यहाँ शुरुआत और अंत, एक कक्षा में अवतरित का क्रमांक, अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्या होगा, ठीक है, शुरू प्लस अंत माइनस या टॉप प्लस डाउन माइनस वन बताया था, तो यहाँ शुरू और अंत है तो शुरू प्लस अंत माइनस वन हो जाएगा, टोटल आपका 50 दे दिया है और एक कक्षा में अवतरित का क्रम 25वां है, ठीक है, तो अंत से पूछ रहा है तो प्लस अंत माइनस वन, 25 में गया 24, 24 इधर गया तो 26, तो अंत से उसका पोजीशन कितना हो जाएगा 26वां हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको हमने करा रखा है रैंकिंग, और हमने बोला भी था, और जो जो चैप्टर हमने आपको कराया है वहाँ वहाँ से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब विषम को चुना, मुंबई कोलकाता ये सब समुद्र किनारे है और ये आपका समुद्र के किनारे में नहीं है, सहारनपुर यूपी में आता है, लैंड लॉक है वो, चलिए ये सब। अब देखिए यहाँ पर है, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या होगी, उसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर कर देते हैं, मीटर स्क्वायर हो ही जाएगा, मीटर स्क्वायर तो हो ही जाएगा, प्लस 36 पाई एम स्क्वायर के बराबर है,
तो उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल, तो यानी ये पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो गया पाई इंटू क्या हो गया 64 प्लस 36 मीटर स्क्वायर, पाई पाई गया, मीटर को रहने दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, आर बराबर 10 मीटर ये रेडियस हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है व्यास की लंबाई, इसीलिए दुगुना होता है, व्यास कितना होता है रेडियस का दुगुना। तो कई लोग 10 निकाल के खुश हो गए होंगे, गलत बन गया होगा उनका, क्योंकि यहाँ व्यास पूछ रहा है इसीलिए, व्यास की लंबाई पूछ रहा है इसलिए 10 × 20 हो जाएगा, ठीक है। मैं आज मेन रूप से मैथ रीजनिंग ही करवाने आया था, बाकी जीके जीएस के क्वेश्चन को हमने कलर कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल, 3 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र कह रहा है, तिब्बत है, ये सब न्यूज़पेपर में आते रहता है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः जो है शहरी शिक्षित वर्ग पे ही पड़ा था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर सेक्शन में हमने करा रखा था। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड जो मिला है वो ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है, फिल्म है। उसके बाद है बाढ़ को रोके, ये सेम क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था, बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि वृक्षारोपण या वन रोपण हो सकता है। यह है निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत के न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया, तो 42वां संविधान संशोधन। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाई जाती है, तो संख्या का जो पिरामिड होता है उसमें उल्टा और सीधा दोनों पाया जाता है। यह सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जस्ट एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब मैथ का ये क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है, तो ये होता है उसकी परिमाप हो जाती 2 × विकर्णों का योगफल, तो 2a² प्लस 2b² हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4a² प्लस b² हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 × 2 रूट ओवर a² प्लस b², यानी 4 रूट ओवर a² प्लस b², तो आंसर क्या हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है विकर्णों का स्क्वायर, ठीक है, 2 × रूट ओवर विकर्ण का जो स्क्वायर का योगफल, ये आपका समचतुर्भुज का परिमाप ही होता है, विकर्ण रहता है तो उस केस में। तो ये सब फार्मूला आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले विज्ञापन होगा, फिर आप आवेदन करेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा साक्षात्कार होगा, तब चयन होगा, तब नियुक्ति होगा, तो यही आपका सीरीज बनता है। तो ये सब आसान से क्वेश्चन है। उदारीकरण कई बार हमने बताया है, मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, ये सारे जो है वो आपका जो है गर्म खून के नहीं है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक खाद श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, जो उत्पादक होगा और उसी के 10% ऊपर जाते रहता है। लाइकेंस और सेवाल में कवक का रिश्ता परिस्थिति में सहकारिता कहलाएगा। ऑपरेशन बरगा जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है किया गया था, तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार। 1850 में एओ ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ये इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। भारत का किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातियों की जनसंख्या का संकेंद्रण यानी घनत्व तो अधिकतम है, तो मिजोरम में। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप आसानी से बना सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों का एक परीक्षा में पूर्णांक 120 है, तो हिंदी का पूर्णांक कितना है 120, इंग्लिश का पूर्णांक कितना है 140 और गणित का पूर्णांक कितना है तो 100 है, मैथ का कितना है 100 है, ठीक है। अब इसमें लाया कितना 40% यानी बचो 48, इसका कितना लाया 55%, तो 140 का 55% निकाल लीजिए या सीधे 55 × 14 कर लेते हैं, या 14 × 55 5×20 = 0, बाकी 2, 5 × 5 और 5×20 25 × 27 = 7, बाकी 2 यानी 77, ये हो गया आपका 77 और इसका हो गया 100 का कितना लाया 45%, ये टोटल उसने प्राप्त अंक किया, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद
वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है कितना प्राप्त करेगा। चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं, टोटल आता कितना है, 8, 7, 15, 5, 20 का जीरो, बाकी 2, 4, 2, 6, 7, 13, 13, 4, 17, 170 लाता है। ठीक है, 170 लाता है, और टोटल अगर पूर्णांक देखें तो 180 साइंस में भी पूर्णांक है टोटल, तो ये टोटल कर लेते हैं, 0, 4, 2, 6, 6, 8, 14 का 4, बाकी 1, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 540, 540 में उसको लाना है 60%। ठीक है, तो 540 का 60% कितना हो गया, सीधे 54 × 6 कर देते हैं, 6, 6, 24 का 4, बाकी 2, 6, 25, 30, 2, 32, यानी 324 लाना है, तब जाके 60% हो जाएगा। लाता 170 ही है, यानी विज्ञान एक्स मान ली है, यहाँ पर 324 में से 170 घटा दीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 4, 12 में 7 गया तो 5, और यहाँ पे 2 में से गया 1, 154, यानी 154 नंबर अगर वो विज्ञान में लाएगा 180 में, तब ओवरऑल उसको 60% हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तो 1855-56 में आपको पता ही संथाल विद्रोह हुआ था। ये तो भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, तो यही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर जो है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, यांत्रिक उत्तक का अभाव, और ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है एक से अधिक होना चाहिए मेरे समझ से। ठीक है, ये राष्ट्रवादी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा जो है वो आपका भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT की शुरुआत 2013 में जो है नागालैंड के चुनाव से हुआ था, तो याद रखिएगा। ये जंग जो होता है आपका वो हाइड्रेटेड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके BPSC प्रीवियस वर्षों के भी सेट में है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे। रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु, देखिए उसमें जीरो कॉल्स कहलाता है, डिजर्टी कॉलस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसका इनमें से कोई नहीं देगा। ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये जो फार्मूला है ये टूट करके क्या हो जाता है, a+b+c (a²) + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, अब बटे में आपका ये दे रखा है, a+b+c से भाग दे तो ये कट जाएगा, तो यानी ये वाला आंसर आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, O3 के बारे में ये बहुत अच्छे से हमने कर रखा है, ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त। ओजोन का ही फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र। बंगाल विभाजन किसके समय में, ये आसान सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन। ये अभी करंट अफेयर्स में सुदर्शन सेतु के बारे में बता रखा था। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाया है, देखिए इसको आप सिंपली क्या कीजिए, गुना करके देखिए, 4 × 3 = 12 × 9 = 108। अगर 108 को 12 से या 108 को 9 से भाग दे देंगे तो आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चूँकि ये आप देख रहे हैं, 6 × 5 = 30, 30 को 15 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा, 450 मगर 9 से भाग दे देंगे तो ये भी 50 आ जाएगी, यानी सेम पैटर्न चल रहा है। 3 × 2 = 6, 75 × 6 कर लीजिए, 75 × 6 = 6 × 5 = 30 का 0, बाकी 3 × 6 = 42, 3 = 45, भागा 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, 50 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया ये सर, ये भी देख लीजिएगा एक से अधिक, बाकी आप लोग को PDF भेज ही दिया। कौन नहीं बन सकता, देखिए आई है इसमें नहीं है, ये सेम क्वेश्चन आपको रीजनिंग करा रखा है, तो कभी पेंटर बन सकता, आई है ही नहीं इसमें, तो इस सबसे तो ये बनेगा नहीं, बाद में आपका बन जाएगा, कारपेट भी बन जाएगा CRAPET, रिपेंट भी बन जाएगा REPENT भी बन जाएगा। चलिए तो ये सब बन जाएगा। बिहार में बहावी की जो गतिविधि हुई थी वो पटना में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, ये एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और परिमाप, L × b आपको दे दिया 30, और इसका परिमाप यानी 2 × L + b आपको कितना दे दिया है, 26। तो यहाँ पूछ रहा है इसका लंबाई क्या होगा, तो आप चूंकि लंबाई पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको L में कन्वर्ट की कर दीजिए, तो b = क्या हो गया, 30/L, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, 30/L लिख सकते हैं ना b को, चूंकि यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है तो L के टर्म में हम निकाल लिए। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो L को रहने देते हैं, B के जगह 30/L कर देते हैं,
इक्वल टू 26, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर चला जाएगा तो ये 13 हो गया, इधर सॉल्व कीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 13L। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एल स्क्वायर माइनस 13L प्लस 30 इक्वल टू 0। अगर आप इसको करेंगे 30 को तो 3 और 10 के टर्म में 3 रहे, 30 हो जाता है, 13 भी पूर गया। तो आप इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस 3L माइनस 10L, ठीक है, प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, L इंटू एल माइनस 3 माइनस 10 इंटू एल माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, माइनस 10L हो गया, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू कितना दे देगा, L इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 10, या तो 3 होगा या 10 होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, 10 वाला दिया हुआ है, इसीलिए हमने 10 पे टिक कर दिया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के संरक्षण के लिए, तो वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए, आदित्य L1 में विजिबल जो एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन, ये आपका इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये आपको करेंट अफेयर ये सेशन में जीके में पढ़ा रखे हैं। पॉलिटी में निम्न में से कौन भारतवर्ष में एक प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे वो, ठीक है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता, तो इनमें से कोई फसल नदी में नहीं उगे, सब तालाब पोखर में उगता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे रीजनिंग में, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, पी क्यू के दाएं है, पी किसके दाएं है, क्यू के दाएं है, तो क्यू के दाएं को हम पी को बैठा दिए, टी क्यू के बाएं हैं, टी जो है क्यू के बाएं हैं, टी क्यू के बाएं हैं, लेकिन आर के दाएं हैं, लेकिन आर के दाएं हैं, टी के बारे में बोला। यदि पी एस के बाईं ओर है, यदि पी पी जो है एस के बाईं ओर है, तो उन सब में मध्य में कौन है, तो दो इधर जाओ, दो इधर जाओ, बीच वाला क्या हो गया, क्यू, क्यू मध्य में हो गया, आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये सब आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी करा रखे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, इसको भी देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बताए थे कैसे बनाना है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, जबकि बी और सी मिलकर के उस काम को 4 दिन में करते हैं, यानी एक दिन का काम बी और सी का, बी और सी का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/4 हो गया, चूँकि 4 दिन में करते हैं, और बी एक दिन में 1/8 करता है, तो सी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8 हो गया, एलसीएम लेंगे 8, 4 दो में 1 गया 8, यानी सी का रेशियो हो गया आपका 8 के रेशियो, ठीक है, क्योंकि 1/8 एक दिन में किया तो 8 के रेशियो। अब ये निकल गया, यदि ए और सी मिलकर, यदि ए और सी मिलकर के उस काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ए और सी मिलकर के एक, तो यानी ए 15 दिन में टोटल काम करता है और ये 8 दिन में करता है, तो यानी 23 दिन, यानी ये 23 एक्स के बराबर हो गया, एक्स बराबर 23 हो गया, जबकि ए और बी मिलकर के उसको वाई दिन में करते हैं, तो वाई और, तो ये क्या है, ए और बी, ए और बी, तो 15 8 23, यानी वाई बराबर भी 23 हो गया आपका, तो एक्स बटे वाई का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स बटे वाई 23/23 कर ली, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही पूछा है, इजिली आप बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में किया हुआ है अच्छे से, बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवाया है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम तो है ही नहीं नवीकरणीय, नाभिकीय ईंधन, ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में रख सकते हैं, चूँकि बहुत कम आप यूरेनियम से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईंधन तैयार होता है, और अभी ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में ये आते हैं नाभिकीय ईंधन। ये आपका जो है हिमालयन पर्वतमाला का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में पीर पंजाल है, जास्कर होगा, लद्दाख होगा, जैसे अगर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है आपका पीर पंजाल होगा, उसके ऊपर आपका जास्कर है, उसके ऊपर लद्दाख है, और सबसे ऊपर में आपका काराकोरम, ठीक है, तो
ये आपका सीरीज है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ये भी आपका क्लासरूम का है। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये सब आप लोग जीके जी देख लीजिए। ग्रीन बीच से जो है भारत का, ये बहुत अच्छे से क्लासरूम का है, 5.5 घंटा पढ़ा रखा है हमने। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान है, तो मध्य प्रदेश में। और मृदा का पलवार करना संबंधित है, मृदा में नमी जो है उसमें बरकरार रखने के लिए पलवार इसको शब्द से संबोधन करते हैं, यानी वहाँ पर मृदा की नमी को बनाए रखना से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन जो भी बनने वाले थे हमने आपको तेज़ी में सॉल्व करा दिया। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग क्लासरूम के हैं, तो कट ऑफ जो है जो वही है, अगर आप पुरुष वर्ग में हैं 80+ में हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, महिला है 70+ में है तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने अपने ग्रुप में दे रखा है, वही रेंज रहेगा, उससे कम जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अभी 799 में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें सारे PDF वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और ऑलरेडी उसमें बहुत सारा वीडियो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, चूँकि जो भी TRE 1 TRE 2 में हमने पढ़ाया सारे वीडियो का कलेक्शन आपको मैं देता हूँ। तो निश्चित रूप से अगर आप सारा वीडियो देखते हैं तो आप सफल जरूर होंगे, और क्वेश्चन लगभग इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट टू इजी, टफ श्रेणी में नहीं रखेंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर टफ है तो उस पर क्वेश्चन की प्रकृति निर्धारित नहीं होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ बनने लायक हैं, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, तो मॉडरेट टू इजी है क्वेश्चन, कट ऑफ 80 के ही अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।